अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज अंसारी किचन में आपके लिए मैं बहुत ही मज़ेदार सा इटैलियन स्नैक चीज़ी जुकीनी तैयार कर रही हूँ ये जुकीनीज़ हैं जो मैंने आधा किलो से ज़्यादा लिए हैं ये सॉफ्ट से भी हैं और साइज़ में छोटे से भी हैं ये टिंडे की लंबी फॉर्म होती है मगर इसका टेस्ट टिंडे के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बहुत ही क्रीमी मलाई जैसा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें व्यूवर्स जुकीनी छिल चुके हैं अब मैं इनको स्लाइसिस में चेंज कर रही हूँ आप चाहें तो स्लाइसर यूज़ कर लीजिएगा मैं छुरी से इनके स्लाइस बना रही हूँ बहुत ज़्यादा थिन स्लाइसिस नहीं बनाना है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट से हैं देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ ये इस तरह का इतना मोटा होना चाहिए क्योंकि ये नरम है तो बहुत जल्दी गल जाएंगे तो मिलते हैं इन सब स्लाइसिस के तैयार होने के बाद स्लाइसिस तैयार हो चुके हैं अब मैं इस प्लेट में डाल रही हूँ और इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च छिड़कूँगी आधा आधा टी स्पून और अच्छी तरह से मिक्स करके दस मिनट के लिए रख दूँगी तो मिलते हैं दस मिनट बाद व्यूवर्स मैंने चीज़ का एक पीस लिया है उसे ग्रेट करूँगी मैं दो इंच का चीज़ का पीस ग्रेट करके तैयार कर रही हूँ और इसकी कोटिंग तैयार करेंगे ये देखिए कितने अच्छी तरह से चीज़ ग्रेट हो गया है अब मैं चीज़ हटा रही हूँ मैंने एक अंडा लिया है और उसमें मैं कुछ मसाले शामिल करूँगी इस अंडे के हिसाब से एक एक टी स्पून सुरख मिर्च काली मिर्च पिसी हुई और नमक लिया है अब मैं इन्हें मिक्स कर रही हूँ देखिए बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं अब मैं दो टेबल स्पून में हरा धनिया डाल रही हूँ और वो भी मिला रही हूँ और अब इसमें मैं चीज़ शामिल कर दूँगी चीज़ शामिल करके मिक्स करके हम इसको एक साइड पे रखेंगे और यहाँ मैं ब्रेड क्रम ला रही हूँ ये तकरीबन आधा कप ब्रेड क्रम्स हैं इसमें मैं मैदा शामिल करूँगी मैदा चौथाई कप है और इनको मैं मिक्स करूँगी मिक्स करने के बाद फिर हम इन जूकिनज़ पे कोटिंग करेंगे अच्छी तरह से मिलाना है अब सबसे पहले मैं इन जूकिनज़ के स्लाइसेस को ब्रेड क्रम के मिक्सचर में अच्छी तरह से कोट करूँगी और कोट करने के बाद जो हमने चीज़ी मिक्सचर बनाया है उससे कोट करूँगी ये तमाम पीसीस कवर करूँगी और कवर करने के बाद फिर हम फ्राई करेंगे इसे हमने शेलो फ्राई करना है फ्राई पैन चूल्हे पर रखा हुआ है तो फिर हम इनको अच्छी तरह से कोट करने के बाद चलते हैं फ्राई पैन की तरफ मीडियम लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे ये देखिए इस तरह अच्छी तरह से ताकि ये बिल्कुल कवर हो जाए तो फिर चलते हैं व्यूअर्स ऑयल गरम हो चुका है अब मैं एक एक करके पीसेस ऑयल में रख रही हूँ हमने भरना नहीं है क्योंकि इन्हें फिर पलटने में हमें मुश्किल होगी अभी ये नीचे से थोड़े से चीज़ की वजह से चिपक जाएंगे तो एहतियात से हम इसे पलटेंगे तकरीबन दो मिनट हो गए हैं अब मैं देख रही हूँ ये देखिए थोड़े से चिपके हुए हैं तो मैं दूसरे इस की मदद लेके पलट रही हूँ ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये गोल्डन हो गए हैं अब दूसरी तरफ से भी ये इसी तरह फ्राई होंगे और गोल्डन होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे तो मिलते हैं ब्यूबस डेढ़ मिनट हो गया है ये देखिए दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो गए हैं बहुत ख़ूबसूरत से अब मैं निकाल रही हूँ और टिश्यू पेपर पे रखूँगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाए और बिल्कुल इसी प्रोसेस को दोहराते हुए बाकी के जुकीनीस भी मैं फ्राई करती हूँ फ्लेम अभी थोड़ा सा मैंने हाई किया है ये देखिए इस तरह तो फिर जब ये तमाम तैयार हो जाएंगे तो फिर हम मिलेंगे अब यहाँ अभी यहां भी जगह है तो मैं एक चौथा नीचे की साइड पे भी रख देती हूँ ये देखिए इस तरह बस ओवरलैप नहीं होने चाहिए देखिए व्यूबर्स ये वाले स्लाइसेस भी फ्राई हो चुके हैं मैंने पलट रही हूँ इन्होंने भी दो मिनट ही लिए तो आप फिर मिलते हैं इनके तैयार होने के बाद प्रेजेंटेशन पर व्यूअर्स आपके लिए बहुत ही लजीज से चीज़ी ज़ुकीनी स्नैक्स तैयार हैं मैंने इसे मायो गार्लिक सॉस के साथ सर्व किया है ये देखिए अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रंची बहुत मज़ेदार से हैं इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफ़िज